आने वाले कुछ महीनों के बाद में हमें आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखने वाला है। और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से तीन बड़ी खबरें आखिर के लिए तीन बहुत बड़े अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो तीनों ही बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, हमारी इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के प्रैक्टिस कैंप की तरफ से निकल कर आया। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम का हमें प्रैक्टिस कैंप अब कुछ ही महीनों में लगते हुए दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले हमें अपना प्रैक्टिस कैंप लगाते हुए दिखने वाली है। वो इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या की टीम के अनकैप खिलाड़ी इंग्लैंड जाने वाले हैं। जी नहीं दोस्तों, हमें इंडिया में मुंबई इंडियंस की टीम अपना प्रैक्टिस कैंप आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले लगाते हुए दिखने वाली है। हालांकि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो नहीं जुड़ने वाले उस प्रैक्टिस कैंप में ऑप्शन से पहले। जो हमें मुंबई इंडियंस की टीम के अनकैप खिलाड़ी नजर आते हैं एमआई की टीम में, वो खिलाड़ी हमें मुंबई इंडियंस की टीम का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन करते हुए मिनी ऑप्शन से पहले दिखने वाले। तो ये काफी बड़ा अपडेट है एमआई की टीम की ओर से निकल कर आया था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान की तरफ से निकल कर आया। दरअसल ऐसी न्यूज वायरल हो रही है, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के सीजन से पहले हमें अपने कप्तान में बदलाव करते हुए देख सकती है। और ऐसी वो न्यूज वायरल हो रही है कि एमआई की टीम के हमें कप्तान जसप्रीत बुमराह बनते हुए दिखने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें आईपीएल 2023 के सीजन में हमें जसप्रीत बुमराह नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए एमआई की टीम की नजर आने वाले। हालांकि रोहित शर्मा हमें कुछ मैचों में बुमराह को कप्तानी देते हुए दिखने वाले। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि आईपीएल 2023 के सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और मुंबई इंडियंस की टीम हमें पहली टीम बनते हुए दिखने वाली है जो कि आईपीएल 2023 के सीजन में क्वालिफाई करेंगी। और उसके बाद रोहित शर्मा आराम करने वाले और जसप्रीत बुमराह में कुछ मैचों में हमें एमआई की टीम की कप्तानी करते हुए देख सकते हैं। हालांकि अगर रोहित इंजर्ड होते हैं आईपीएल 2023 के सीजन के कुछ मैचों के लिए, तो हमें बुमराह या एमआई की टीम की कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को रोहित शर्मा को अपना कप्तान रहने देना चाहिए या फिर जसप्रीत बुमराह को अपना अगला कप्तान बनाना चाहिए? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट ईशान किशन की ट्रेड की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल काफी सारे यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो देख रहा हूँ कि ईशान किशन और रविंद्र जडेजा ट्रेड होने वाले। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, क्योंकि एमआई की टीम ईशान किशन को ट्रेड नहीं करने वाली है। और अगर ट्रेड ही करना होता ईशान किशन को, तो एमआई की टीम मेगा ऑक्शन में इतने एक्सपेंसिव प्राइस में ईशान किशन को नहीं परचेज करती। ईशान किशन आईपीएल 2023 के सीजन में भी एमआई की टीम की ओर से खेलेंगे और फ्यूचर में भी हमें खिलाड़ी एमआई की टीम की ओर से खेलते हुए दिखने वाला है। जिस तरीके से रोहित शर्मा काफी सालों से एमआई की टीम से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से हमें ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आने वाले। लॉन्ग टर्म के लिए एमआई की टीम ने ईशान किशन को परचेज किया इतने एक्सपेंसिव प्राइस में। और रविंद्र जडेजा की बात, तो रविंद्र जडेजा की और चेन्नई की टीम की कॉन्ट्रोवर्सी चालू है और हो सकता है कि रविंद्र जडेजा हमें सीएसके की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखे और एमआई की टीम हमें जडेजा को खरीदते हुए देख सकती है। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ये नहीं है। एमआई की टीम जडेजा के पीछे जाते हुए हमें देख सकती है अगर जडेजा मिनी ऑप्शन का हिस्सा बनते हैं तो। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।